अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रसूलाबाद में सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सपा का सदस्यता अभियान नींव का काम करेगा, जिससे पार्टी को बल मिलेगा और गाँव के गरीबों, कमजोरों, असहायों की मदद होगी। और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनता ने 36% मत देकर समाजवादी पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। प्रदेश की 60 सीटों पर मात्र 1000 के अंतर से सरकारी मशीनरी की गड़बड़ियों से हारे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर पहुँचाया, जिसके कारण देश के पूंजीपतियों में खलबली मच गई और वह लोग षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले, अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र जीवित रहेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे, इसलिए सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है और सपा को आगे बढ़ाना है। आज महंगाई, बेरोजगारी से देश प्रदेश की जनता कराह रही है। रसूलाबाद विधानसभा के सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए पूर्व विधायक कमलेश चंद दिवाकर की जमकर सराहना भी की। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक विधान परिषद चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश यादव को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के जनप्रिय पूर्व जिलाध्यक्ष समरथ पाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि गाँव गाँव, हर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता से जोड़े, पार्टी को मजबूत करें। देश प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। सपा को छोड़ कोई भी दल गरीबों, मजदूरों, असहायों की बात तक नहीं कर रहे हैं। सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जुल्म, अत्याचार को लेकर सत्ता दल भाजपा का हर मंच पर विरोध कर रही है। पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर ने सदस्यता अभियान को गति देते हुए कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर सदस्य बनाकर रसूलाबाद विधानसभा का नाम नंबर एक पर दर्ज कराकर पार्टी को मजबूत करें। समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव विजय गुप्ता ने कहा कि पार्टी की कोशिश होगी कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर हर घर तक पहुंचे और कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी लेकर जनता के बीच बने रहें। और यह बात लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि लोकतंत्र बचाने के लिए सपा के लोग आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता को जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कार्यक्रम समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष सभासद बीरू कुशवाहा के आवास पर भी गए। इस मौके पर पूर्व विधायक राम प्रकाश कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष समरथ पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव, आलोक रत्न यादव, पुष्पेंद्र यादव, सौरभ पठान सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुशल नेतृत्व में उनके कार्यभार पर, समाजवादी नीतियों पर, समाजवादी सरकार के विकास कार्यों को देखकर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 36% वोट दिया। हम लोग 40 साल से राजनीति में, कभी भी 36% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं हो। समाजवादी पार्टी 28% वोट पाने के बाद, राजा के बयान के बाद हैदराबाद में उपद्रव हुआ, फिर टी राजा की गिरफ्तारी। सब लोग चाहते हैं, सब लोग अच्छे ढंग से रहें और ये देश बहुत सुखी हो, समृद्ध हो। दो सालों की दुर्दशा, इस पर क्या कहेंगे? जो दुर्दशा है वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। आया हो कि कन्नौज लोकसभा के हम लोग निवासी हैं, रसूलाबाद उसी क्षेत्र में आता है और कन्नौज हम समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान है। इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे इटावा को हम लोग तीर्थ स्थान मान सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कन्नौज भी दूसरे स्थान पर आता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भरोसा हम पर दिखाया है और मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं उसके लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों से ये चाहता हूँ कि जितने भी 2019 के पहले, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, मेरी बात सुन लो, 2019 के पहले चाहे वो 70 में 75 में 80 में जब भी कभी ग्रेजुएशन किया हो तो उसके वोट बनेंगे। 2019 के बाद में जो